खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रियलटर गुर जितेंद्र सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदने ते वेचण लई तुसी कॉल कर सकदे हो। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो पंजाब मिल यूएसए टीवी। मैं सुरभी, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। पेश आ देश विदेश दीआं कुछ खास ते चोरमियां खबरां। अमरीका ने नाइजीरिया तो फौजियां दी वापसी कीती शुरू। पाकिस्तान तो आए चार अतवादी लश्कर नाल संबंध। पीएम बंदे ही मोदी ने किसानों के हक च मारी कुगी, फाइल की पास। पंजाब च मुड़ वजिया चोन बिगुल, 10 जुलाई नू पैणगियां वोटां। 20 जून नू शंभू बॉर्डर लई मुड़ रवाना होणगे किसान, किता वड्डा ऐलान। गोल्डी बराड दी इक होर ऑडियो हुई लीक, सिद्धू मूसेवाले ते लाए वड्डे इल्जाम। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका ने नाइजीरिया तो अपनियां फौजां वापस बुलाउणियां शुरू कर दित्तियां। दोवां देशां दे रक्षा मंत्रालय ने सांझे बयान दे विच इस गल दी जानकारी दित्ती है। उन्होंने अपने बयान दे विच इह कहा है कि अमरीकी रक्षा विभाग अते नाइजीरियन गणराज दे राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि नाइजर तो अमरीकी फौजियां अते संपत्तियां दी वापसी शुरुआती तैयारियां तो मुड़ तैनाती तक वध गई है। दस दिए कि यह महत्वपूर्ण तब्दीली 7 जून 2024 नू नियामी दे हवाई अड्डे 101 तो यूएस एयरफोर्स C-17 ग्लोब मास्टर 3 दी रवानगी नाल शुरू हुई। बयान विच कहा गया है कि इस तो इलावा कुछ यूएस बलों की पहला ही अपने मिशनों को पूरा करने तो बाद नाइजर तो अपने होम स्टेशन पर मुड़ तैनाती हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले च ऐतवार शाम नू अतवादियों ने श्रद्धालुओं नू लेके जा रही बस से गोलीबारी कर दी। इस हमले दौरान 9 लोगों की मौत हो गई और 33 होर जख्मी हो गए। पुलिस ने जानकारी दी है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक यह हमला कुछ साल पहला अमरनाथ यात्रा से हुए हमले की तरह से किया गया, जो पिछले दहाके च जम्मू च सब तो वड्डा अतवादी हमला सी। हुण तक प्राप्त जानकारी अनुसार लश्कर के सहायक संगठन ने इस वड्डे अतवादी हमले नू अंजाम दिता है। हमलावारा की गिनती 3 तो 4 होने का खदशा जताया जा रहा है। इन्होंने बारे शक है कि यह कुछ दिन पहला ही पाकिस्तान तो भारत में दाखिल हुए सन। अतवादियों का पहला उद्देश्य श्रद्धालुओं से अन्नेवाह गोलीबारी करना से, जिस तो बाद बस अपना संतुलन गुआ बैठी और हादसे का शिकार हो गए। कुछ दिन पहला रियासी विच वापरे बस हादसे नू ध्यान विच रखदिया अतवादियों ने इस हमले की योजना बनाई और श्रद्धालुओं के नाल भरी बस नू निशाना बनाया। गोलीबारी तो बाद शिव खोडी मंदिर तो कटड़ा जा रही 53 सीटा वाली बस डूंगी खाई विच डिग गई। एक घटना शाम करीब 6:15 पौनी इलाके दे पिंड तेराइब नेड़े वापरी है। यह भी कहा जा रहा है कि इस विच जो आतंकवादी मौजूद सी, इस विच एक आतंकवादी सी ओ पाकिस्तान दा साबका फौजी है। इस गल तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद पाकिस्तान आतंकवादियों नाल मिलके भारत उत्ते हमले करवा रहा है। ऐतवार नूं प्रधानमंत्री अहुदे दी सहुं चुक्कण तों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सवेरे साउथ ब्लॉक पहुंचे। साउथ ब्लॉक पहुंचते ही पीएम मोदी ने अपने तीजे कार्यकाल की शुरुआत धमाके दे नाल कीती। दरअसल अपने तीजे कार्यकाल के अपने पहले फैसले विच पीएम मोदी ने किसान निधि के 20,000 करोड़ रुपए जारी किए। इस नाल देश के 9.3 करोड़ किसानों नूं फायदा होगा। मोदी सरकार के तीजे कार्यकाल की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई। यह भी कहा गया कि कैबिनेट मीटिंग के सरकार ने बहुत वड्डे फैसले लए। कैबिनेट मीटिंग तो पहला सरकार सारे मंत्रियों नू मंत्रालय की वंड की गई। उते ही ऐतवार शाम नू ही प्रधानमंत्री मोदी समेत 72 मंत्रियों ने अहुदे अते गुप्तता की सहुं चुकी। प्रधानमंत्री मोदी की अगवाई विच बनी NDA सरकार विच 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज मंत्री अते 36 राज मंत्री मंडल विच शामिल हुए हैं। मोदी सरकार ने दूजे कार्यकाल के मंत्री मंडल का हिस्सा रहे राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन अते एस जयशंकर तीजे कार्यकाल विच भी कैबिनेट मंत्री वजो सहुं चुकी है। पंडित जवाहर लाल नहरू तो बाद प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीजी बार प्रधानमंत्री वजो सहुं चुकन वाले दूजे सियासतदान बन गए हैं। सहुं चुक समागम दौरान वख-वख सियासतदान, फिल्म इंडस्ट्री दे नाल जुड़े लोग अते उद्योगपति भी मौजूद सन। मोदी सरकार दे तीजे कार्यकाल की पहली कैबिनेट मीटिंग शाम 5 बजे हुई।
पंजाब दे जलंधर वेस्ट सीट जो विधायक शीतल अंगराल वालों अस्तीफा दिते जाने तो बाद खाली हो गई सी उस उत्ते हुण जिमनी चोन होन जा रही है। इस संबंधी पंजाब दे मुख चुन अधिकारी सिबन सिंह ने यह जानकारी दी है कि जलंधर पश्चिमी दी जिमनी चोन लई 10 जुलाई नू वोटा पैन गया। इस बाबत भारतीय चोन कमीशन वालों चोन प्रोग्राम जारी कर दिता गया। सिबन सिंह ने दसिया कि 14 जून नू नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा अते नामजदगियां भरन की आखिरी मिति 21 जून होवेगी। नामजदगी पत्रा की पड़ताल 24 जून नू की जाएगी जबकि नामजदगी पत्र वापिस लैन की अंतिम तारीख 26 जून होवेगी। उन्होंने भी दसिया कि 10 जुलाई नू वोटा पैन गया अते 13 जुलाई नू वोटा दी गिनती तो बाद नतीजा ऐलानिया जाएगा। सिबन सिंह ने दसिया कि जिमनी चोन दे ऐलान दे नाल ही सोमवार तो जलंधर पश्चिमी हल्के विच चोन जाबता लागू हो गया है। इस जाबता 15 जुलाई तक चोन प्रक्रिया मुकम्मल होने तक लागू रहेगा। जिक्रयोग है कि 34 जलंधर पश्चिमी दे विधायक शीतल अंगराल वालों अस्तीफा देने तो बाद इस सीट खाली हुई सी। जिक्र कर दिए कि चोन कमीशन ने बिहार बंगाल मध्य प्रदेश इन्हां दे समेत 7 राज्यां दियां 13 विधानसभा सीटां लई उपचुनाव दी तरीका दा ऐलान कर दिता है। 13 सीटां ते उपचुनाव दे लई 10 जुलाई नू वोटिंग होवेगी। 10 जुलाई नू बिहार दी 1, बंगाल दी 4, तमिलनाडु दी 1, मध्य प्रदेश दी 1, उत्तराखंड दी 2, पंजाब दी 1 अते हिमाचल दी 3 सीट ते वोटिंग होवेगी। चोन कमीशन मुताबिक इन्हां सीटां ते नोटिफिकेशन 14 जून नू जारी कीता जाएगा। नामजदगी की आखिरी मिति 21 जून होवेगी। नामजदगियां की पड़ताल 24 जून होवेगी। नामजदगियां वापस लैन की तारीख मिति 26 जून रखी गई है। 10 जुलाई नू वोटा पैन गया, नतीजे 13 जुलाई नू आउणगे। जलंधर के कस्बा शाहकोट विच किसानों वालों मीटिंग की गई जिस विच उन्होंने फिर तो शंभू बॉर्डर से धरना देने का ऐलान किया। किसानों ने मीटिंग विच फैसला लिया कि वह 20 जून नू शंभू सरहद लई रवाना होंगे। किसान आगू जसबीर सिंह पिद्दी ने दसिया कि शाहकोट के गुरद्वारा साहिब विच एक मीटिंग हुई है। मीटिंग विच मुख तौर पर लोगों वालों दिते फंडा की वरतों अते भविख की रणनीति बारे चर्चा की गई है। जसबीर सिंह पिद्दी ने कहा कि शंभू सरहद से चल रहे किसानों के धरने नू होर मजबूत करन दियां तैयारियां नू लैके भी गलबात हुई है। पिद्दी ने कहा कि 20 जून नू फिर तो जलंधर अते आस पास दे जिलियां तो वक-वक जत्थे शंभू बॉर्डर लई रवाना होंगे ता जो उक्त हड़ताल नू होर बल मिल सके। ए धरना उदों तक जारी रहेगा जदों तक केंद्र सरकार साडी गल नहीं मन लैंदी। किसान आगू सलविंदर सिंह ने कहा कि शंभू सरहद ते सांझे धरने नू लगभग 4 महीने बीत चुके हन अते किसान हर तरह दियां मुश्किलां दा सामना करदिआं इस धरने नू बहुत ही सुचेजे ढंग दे नाल निभा रहे हन। मुख तौर ते फसलां अते झोने दी कटाई नू मुख रखदिआं सारे ज़िलियां विच व्योंटेबंदी दा आयोजन कीता गया ता जो फ्रंट नू सुचारू ढंग नाल चलाया जा सके। किसान आगुआ ने कहा हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट तो संसद मैंबर चुनी गई कंगना रनौत नू थप्पड़ मारन वाली पंजाब दी धी खिलाफ की गई कार्रवाई गलत है। कंगना ने पहला CISF विच तैनात पंजाब दे कपूरथला दी रहन वाली कुलविंदर कौर नू इतराज़योग गल्लां कहियां जिस तों बाद कुलविंदर कौर ने अजिहा कीता। किसानां ने मांग कीती है कि कुलविंदर कौर नू तुरंत प्रभाव दे नाल नौकरी ते बहाल कीता जावे अते दर्ज कार्रवाई कीती गई FRI रद्द कीती जावे नहीं तां साडा धरना अगे वधेगा। सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे मुख दोषी गोल्डी बराड़ दी एक नवी ऑडियो वायरल हुई है। ए ऑडियो खालिस्तानी समर्थक हरदीप निज्जर दे कतल केस विच गिरफ्तार किए गए करण बराड़ दी गोल्डी बराड़ दे नाल नेड़ता तो बाद सामने आई है। गोल्डी अपने आप नू सिख पंथ दे समर्थक वजो पेश करन दी कोशिश कर रहा है। हालांकि इस ऑडियो दी पुष्टि नहीं कीती जा सकी पर इस विच बोलण वाला व्यक्ति अपने आप नू गोल्डी बराड़ दस रहा है। इस ऑडियो विच गोल्डी ने सिद्धू मूसेवाले नू सिख विरोधी कहन दी कोशिश कीती है। इस नाल ही उह सिद्धू मूसेवाले अते उसदे पिता बलकौर सिंह नू कांग्रेस दे एजेंट कह रहे हन। उते गोल्डी ने अपना अक्स सुधारन दे लई खाड़कू खालिस्तानी लहर दा समर्थक अते सिख धर्म दा पैरोकार बनन दी कोशिश भी कीती है। वायरल ऑडियो च गोल्डी ने कहा कि सिद्धू दे कतल तो बाद पंजाब दे लोग सिद्धू दे परिवार दा काफी समर्थन कर रहे हैं। सिद्धू नू शहीद कह के सिख शहीदा दा अपमान ना करो। असी भी आम लोग सी, आम लोका वांग जीवन बतीत करते हाँ। मैं आम लोका वांग आम लोका विच एक आम नौजवान हुंदा सी। मैं भी सख्त मेहनत कीती अते 40-40 घंटे ट्रक चलाया। कदे किसी दे अधिकारां दी उलंघना नहीं कीती। मेरे भरा दी 12 अक्टूबर 2020 नू मौत हो गई सी। उन्हां दी मौत विच सिद्धू दा हाथ सी। इस तों बाद असी अपराध दा राह चुनिया।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਡਾ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ 35 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ UAPA ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਦਨਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਬੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 13 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਉਧਰ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ 7 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜੋ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਹੁਣ 42 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 3 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 42 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 44 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 45 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ 21 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 7 ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਔਰਤ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਰਪੰਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਰਪੰਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ 21 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 7 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
दिल्ली पुलिस ने आप संसद मेंबर स्वाति मालीवाल के हमले के मामले च मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार विरुद्ध सबूत नष्ट करन अते झूठी जानकारी देने लई भारतीय दंडावली की नवी धारा जोड़ दी है। विभव ते 13 मई नूं मुख्यमंत्री की सरकारी रिहायश से मालीवाल ते हमला करन दा दोष है। अधिकारी ने कहा कि केस विच भारतीय दंडावली की धारा 2201 यानी कि अपराध के सबूत नष्ट करन जां किसी अपराधी नूं बचाउण लई गलत जानकारी देना उस नाल जुड़िया होया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी जिले च बस से हुए अतवादी हमले च मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दिए जाने का ऐलान किया है। एक अधिकारित बुलारे ने सोमवार को यह जानकारी दी। बुलारे ने दसाया कि सिन्हा ने जख्मियों को भी 50,000 रुपए की मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एतवार को अतवादियों ने तीर्थ यात्रियों की एक बस से गोलीबारी की जिस नाल 10 लोगों की मौत हो गई और 40 होर ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਸ ਸ਼ਿਵ ਖੋੜੀ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਸਥਿਤ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੌਣੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੇਰਿਆਤ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 53 ਸੀਟ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੂੰਘੀ ਖਾੜ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। हरियाणा की करनाल लोक सभा तो नवे चुने गए सांसद और साबका मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट मंत्री बनने वाले दूजे संसद मैंबर हैं। उन्हां तो पहला आईजी स्वामी नूं 1999 विच केंद्रीय गृह राज मंत्री बनाया गया सी। जेकर इतिहास दे पन्ने पलटदे हाँ तो आज़ादी तो लैके अज तक करनाल लोक सभा नूं सिर्फ 2 मंत्री अहुदे मिले हैं। अज एक बार फिर करनाल लोक सभा का नाम इतिहास के पन्नों विच दर्ज हो गया। स्पीकर द्रौपदी मुर्मू ने मनोहर लाल नूं 8वें कैबिनेट मंत्री वजो सौ चुकाई। मनोहर लाल ताकतवर मंत्री बन चुके हैं और हुण करनाल के लोगों दी नज़रां इस गल ते टिकिया हुई हैं कि वह करनाल नूं की तोहफा लैके आउंदे हैं। मरहूम आई डी स्वामी तो बाद हुण 25 साल बाद करनाल लोक सभा नूं चंगी किस्मत मिली है अते लोक सभा नूं कैबिनेट मंत्री मिलिया है। आईडी स्वामी दा पूरा नाम ईश्वर दयाल स्वामी है जिसकी 15 सितंबर 2019 नूं फरीदाबाद के एक अस्पताल विच 91 साल की उम्र विच मौत हो गई सी। आईडी स्वामी एक भारतीय सियासतदान अते साबका आईएएस अधिकारी सन जिन्हां ने तीजी वाजपाई के मंत्रालय विच केंद्रीय गृह राज मंत्री वजो सेवा निभाई। उसने आज़ादी के अंदोलन में भी हिस्सा लिया। आई डी स्वामी 1996 1999 करनाल लोक सभा सीट तो सांसद बने सन। मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। हुण उन्हां तो लोगों दी उम्मीदां होर भी वध गईयां हन क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री अहुदा करनाल में हज़ारा करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए सन। पंजाब दे सब तो वड्डे जिले लुधियाने च देश दी वंड तो लैके हुण तक केंद्र दीआं बणीआं सरकारां च रवनीत सिंह बिट्टू दूजे केंद्रीय राज मंत्री हन। एनडीए सरकार च भाजपा टिकट ते लुधियाने तो अजमा चुके रवनीत सिंह बिट्टू नूं केंद्रीय मंत्री मंडल दी सूची च शामिल करके केंद्रीय राज मंत्री बनाया गया। जबकि इस तों पहलां 2008 च मनीष तिवाड़ी लुधियाने तो MP बने सन अते केंद्र दी मनमोहन सिंह सरकार च बतौर सूचना ते प्रसारण राज मंत्री बने सन। इस तों पहलां लुधियाने च किसी भी पार्टी दे MP दे मूंह नूं केंद्रीय मंत्री बनन दा शुआरा नहीं लग्या। बाकी हुण देखदे हां मोदी सरकार बिट्टू नूं केड़ा महकमा दिंदी है जां फिर किसे नाल अटैच करदी है। T20 विश्व कप दे रोमांचक मैच विच भारतीय टीम ने पाकिस्तान नूं 6 दौड़ां दे नाल हराया। इस समय क्रिकेट देखण वालिया दीआं नज़रां हर गेंद ते टिकियां होईयां सन क्योंकि यह मैच काफ़ी मुकाबले वाला सी। एक पल लई अजिहा लग रहा सी कि भारत यह मैच हार जाएगा पर मैच आसानी दे नाल पाकिस्तान दे हथों निकल गया। गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत नूं जित दवाई। हुण इस मैच तों बाद पाकिस्तानी टीम दे नाल नाल प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ नूं वी नमोशी चलनी पै रही है। उन्हां दे ट्वीट वायरल हो रहे हैं, लोग इससे काफी टिप्पणियां कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के PM शाहबाज शरीफ ने मैच दौरान X से एक पोस्ट पाई सी जो हुन वायरल हो रही है। शाहबाज शरीफ ने लिखा कि न्यूयॉर्क च भारत खिलाफ टीम पाकिस्तान की शानदार गेंदबाजी देखी, मैनू यकीन है कि टूर्नामेंट च शानदार खेड देखने मिलेगी। साडे देश के लड़के इस टीचे नू आसानी दे नाल हासिल कर लेंगे। मैच की पहली पारी तो बाद पाकिस्तान PM दे इस ट्वीट नू काफी ट्रोल किया जा रहा है। अजिहा नहीं है कि यह पहली बार है जो पाकिस्तान नू शर्मिंदा होना पै रहा है, इस तो पहला भी कई बार अजिहा हो चुकया है। पाकिस्तान नू कदे कर्जे ते कदे अतवाद नू लैके घेरिया जाता है। इस मैच नू जीत के भारत अंक सूची च पहले स्थान ते आ गया। इस सीरीज च पाकिस्तान की यह दूजी हार है।
पाकिस्तानी टीम पहला ही अमरीका तो हार चुकी है। दो हारा तो बाद उस लई सुपर अठ तक पहुंचना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान अंक सूची च चौथे स्थान पर है, अमरीका चार अंकों के नाल दूजे स्थान पर है, कैनेडा तीजे स्थान पर है। आयरलैंड की टीम पाकिस्तान वांग एक भी मैच नहीं जीत सकी, अंक सूची में आखिरी स्थान पर है। भारतीय फाइटर पूजा तोमर ने इतिहास रचे। पूजा अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप विच जीतने वाली भारत की पहली मार्शल आर्ट फाइटर बन गई है। पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता विच हिस्सा ले रही पूजा ने यूएफसी विच स्ट्रावेट मुकाबले विच ब्राजील दी रियान सेंटोस ते 30-27, 27-29, 28 नाल जीत हासिल की। मुकाबले तो बाद पूजा ने गलबात करदिया कहा कि सिर्फ मेरी जीत नहीं सगो भारत के सारे प्रशंसकों ते भारतीय फाइटर्स की जीत है। 30 साल की पूजा जो साइकलोन के नाँ नाल मशहूर है, उसने पिछले साल अक्तूबर च यूएफसी दे नाल इकरारनामे ते हस्ताखर किए सन, जिस नाल उस सब तो वड्डे मिक्सड मार्शल आर्ट्स मुकाबलिया चो एक च हिस्सा लैन वाली भारत की पहली महिला बन गई से। अंशुल जुबली अते परत कंडारे ने यूएफसी विच विश्व मंच से भारत की नुमाइंदगी की है। पूजा का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुदाना पिंड विच होया है। वो पांच बार की राष्ट्रीय वुशु चैंपियन है, कराटे अते ताइकवांडो विच भी हिस्सा लै चुकी है। भारत की पहली पसंद के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने एतवार को इतने कतर विरुद्ध 2026 फीफा विश्व कप क्वालीफाइंग मैच लई टीम का कप्तान बनाया गया है। भारत मंगलवार को इतने जसिम बिन हमद स्टेडियम च मेजबान कतर नाल खेडेगा। भारतीय टीम मैच लई शनिवार रात नू दोहा पहुंची। टीम ए मैच जीत के विश्व कप क्वालीफायर के तीजे पड़ाव च पहली बार पुजन का राह पदरा कर सकती है। सुनील छेत्री के संन्यास तो बाद भारत का यह पहला मैच है। छेत्री ने वीरवार नू कवैत विरुद्ध गोल रहित ड्रा तो बाद कौमांतरी फुटबाल तो संन्यास लै लिया सी। मुख्य कोच इगोर स्टिमक ने इस मुकाबले लई 23 मैंबरी टीम का ऐलान किया सी। बोस ने निजी कारण करके टीम च शामिल ना होने की बेनती की सी। स्टिमक ने कहा कि गुरप्रीत नू कप्तानी सौंपना कोई मुश्किल काम नहीं सी। 32 साल का खिडारी 71 कौमांतरी मैचों के नाल टीम का सब तो तजर्बेकार खिडारी है। जे भारतीय टीम ये मैच हार जाती है तो वह विश्व कप के तीजे पड़ा के क्वालीफायर तो बाहर हो जाएगी। भारत कतर तो 5 अंकों के नाल दूजे स्थान पर है, अफगानिस्तान 5 अंकों के नाल तीजे स्थान पर, कुवैत 3 अंक चौथे स्थान पर है। यह सन जी देश विदेश दियां कुछ खास से चोनवी खबरां। होर अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए तुसी बने रहो पंजाब यूएसए टीवी के नाल। तुहाडे सब दा बहुत बहुत धन्यवाद।